सो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बोरोअर और लेंडर के बीच एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट होगा, वो एग्रीमेंट कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होगा, एंड एवरी ईयर द सम ऑफ मनी विल इंक्रीज एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर. तो जब हम एवरी ईयर कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, और अगर हम होल एंड सोल 5 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स का कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें हमें इंटरेस्ट कम मिल रहा है, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट. अब यहाँ पर आप डेफिनेटली सोचेंगे कि मैम ये बोरोअर लेंडर वर्ड यूज़ करनी है वो क्या होता है, तो हम उसको भी क्लियर करते हुए चलते हैं. बोरोअर मीन्स दोज हु इज बोरोइंग मनी. लेट्स से माय वॉचमैन और गार्ड इज आस्किंग सम मनी फ्रॉम मी. तो नाउ बोरोअर इज वॉचमैन और गार्ड और जो भी मेड है, उसने अगर हमसे कुछ मनी मांगा तो बोरोअर वो हो गया एंड आई एम द लैंडर. इन द सेम वे इफ आई एम बोरोइंग सम मनी और यू आर बोरोइंग सम मनी फ्रॉम द बैंक, सो नाउ बैंक इज लैंडर एंड यू आर अ बोरोअर. जो भी पैसा लेता है दैट इज बोरोअर, एंड जो भी पैसा देता है दैट इज लैंडर. तो ऑलवेज क्या होता है, लैंडर और बोरोअर के बीच एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही उसको फॉलो करना पड़ता है दोनों को. और उसमें एवरी ईयर का कैलकुलेशन अगर मेंशन है तो हर साल उसका पैसा बढ़ेगा पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो. ये वाला जो प्रोसीजर होता है ये कंपाउंड इंटरेस्ट में एप्लीकेबल होता है. अब हम एक सम चेंज करते हुए लेते हैं. अभी हमने 10,000 पे बेस किया था, अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं. सम ऑफ रुपीस 20,000 इज बोरोड बाय हिना फॉर 2 years at an interest of 8%. प्रीवियस क्वेश्चन में 15% था, क्वाइट हाई था, इसलिए उसको 10,000 के बदले 13,000 रुपीज मिले थे. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा एंड ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन चेंज होगा. आपने बहुत सारे बैंक्स के नाम सुने होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक. तो जरूरी नहीं है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रही है वही यूको बैंक करेगी और यूनियन बैंक करेगी. सबके अपने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे. हम जो भी मनी इनके पास डिपॉजिट करते हैं जब भी हमको इंस्टीट्यूशन में, तो उनको भी प्रॉफिट है, फायदा है, वो उस मनी को फाइनेंशियल मार्केट में रोटेट करते हैं, वहां से वो अर्निंग करते हैं और फिर उस अर्निंग को हमें कुछ पार्ट इंटरेस्ट के फॉर्म में देते हैं. हम हैप्पी हो जाते हैं कि हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, बट हमको वो जितना इंटरेस्ट देते हैं उससे कई अमाउंट ज्यादा वो खुद इंटरेस्ट लेते हैं. ठीक है, और आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम बोरोअर क्यों बने, हमें बैंक से क्यों जरूरत पड़ती है लेने की लोन वगैरह. तो हमें इसलिए जरूरत पड़ती है कि हमारे पेरेंट्स को हमारे लिए होम बनाना है, कार लेनी है, बाइक लेनी है, एक्टिवा लेनी है, तो वो लोग क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं. जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो वी आर बोरोअर एंड बैंक इज लेंडर. और बैंक से जब हमने लोन लिया, लेट से हमने 50,000 का लिया, तो बैंक हमसे 50,000 के बदले में मिनिमम 60-65,000 लेती है. ठीक है, यानी हमें कितना लॉस होता है उस पर्टिकुलर व्हीकल पे, 10-15,000 का. बट उल्टा अगर हमने बैंक में डिपॉजिट किया वही पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो बैंक हमें 50,000 के बदले 55-56,000 ही देती है, क्योंकि बैंक उसमें ज्यादा फायदा कमाती है. ठीक है, तो ये जो बोरोअर लेंडर होता है ये डिपेंड करता है उस समय के पर्टिकुलर क्या रूल्स चल रहे हैं, क्या गाइडलाइंस हैं उनके ऊपर, वो हम फिक्स नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है बोरोअर लेंडर के बीच का. नाउ क्वेश्चन वॉज 8% कंपाउंडेड एनुअली. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट CI, एंड द अमाउंट शी हैज टू पे एट द एंड ऑफ 2 years. टाइम भी गिवन है, सब कुछ गिवन है, बस हमको इसको कैसे सॉल्व करना है. कंपाउंडेड एनुअली है
तो वन वन ईयर का सॉल्व करना है, ठीक है। करेंगे हम वही जो सिंपल इंटरेस्ट में करते थे। नाउ सबसे पहले जो जो गिवन है तो वो हम लिख लेंगे और बहुत शॉर्ट में लिखेंगे, प्रिंसिपल इज 20,000 बिकॉज शी इज डिपॉजिटिंग 20,000 रुपीज और बोरोइंग, सॉरी शी इज नॉट डिपॉजिटिंग शी इज बोरोइंग, वो ले रही है बैंक से, ठीक है। नाउ आर इज 8%, टी इज 2 ईयर्स, कंपाउंडेड एनुअली है तो हम सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकालेंगे। फॉर्मूला आपको पता है, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रही हूँ, 20,000 इंटू आर इज 8 इंटू 1 बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग फॉर फर्स्ट ईयर अपॉन 100, कैंसिल एंड द फिगर इज 8,000 रुपीज। कितना इंटरेस्ट एक साल में शी हैज टू पे, 1,600 रुपीज। 20,000 की प्लेस पे आफ्टर वन ईयर शी हैज टू पे 21,600 रुपीज। एड कर लें हम, अमाउंट फाइंड कर लें। अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मीन्स 20,000 प्लस 1,600 विच इज 21,600 रुपीज। अभी तो केवल हमने एक साल की ही बात करी है, ठीक है। नाउ दिस अमाउंट इज प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, क्योंकि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया जब एक साल में ये पैसा इतना हो गया है तो प्रिंसिपल चेंज हो गया ना, जो 20,000 था अब वो प्रिंसिपल नहीं रहा। सो नाउ प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर इज, इट इज नॉट 20,000, इट इज 21,600 रुपीज, ठीक। आप देखेंगे वहां बाकी रेट वो कब वही है, टाइम भी वही है। अब हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, पी इज 21,600, आर इज 8, टाइम इज 1/100, अगेन 2 जीरोस कैंसिल, ये कैलकुलेट होके आ जाएगा आपका 1,728 रुपीज। ध्यान से देखिएगा हमें कितना कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, जो भी जिसने भी बोरो किया है उसे इतना अमाउंट देना पड़ रहा है फर्स्ट ईयर, एंड देन सेकेंड ईयर उसे इतना देना पड़ रहा है, ठीक है। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो कंपाउंड हो चुका है वो कितना हो गया, दिस प्लस दिस, ठीक है। सो सबसे पहले टोटल इंटरेस्ट इज 1600 प्लस 1728 विच इज 3,328 रुपीज। नाउ सेकेंड ईयर अमाउंट, अभी तो फर्स्ट ईयर का निकाला था हमने, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर कितना होगा, जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल कितना हो चुका है 21,600 प्लस 1,728, ये जो टोटल आया इट इज इक्वलेंट टू 3,328 रुपीज, ठीक है। सो ये क्या हुआ, हमने एक एक साल का निकाला, तो 20,000 शी हैज बोरोड एंड आफ्टर 2 ईयर्स शी नीड टू पे 23,328 रुपीज, 3,320 रुपीज उसे इंटरेस्ट के फॉर्म में देना पड़ेगा। यही क्वेश्चन अगर हम डायरेक्ट 2 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करते, मैं आपको एक छोटे से बॉक्स में करके बताती हूँ, तो आपको क्लियर होगा कि कंपाउंड में हमेशा ज्यादा इंटरेस्ट होता है, चाहे देना पड़े चाहे लेना पड़े, ठीक है। इतना पार्ट में रब कर रही हूँ और यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। टाइम था आपका 2 ईयर्स, डिफरेंस के लिए पी, पी इज 20,000 इंटू आर इज 8, डायरेक्टली टाइम हमने रख दिया 2 ईयर्स, ठीक है, अपॉन 100, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 8,000 16,000 3,200 रुपीज। इफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड शी मेड एन एग्रीमेंट कि हमें सिंपल इंटरेस्ट से पे करना होगा, तो उसे कितना पे करना होता, ओनली 3,200 रुपीज। बट अगर उनके बीच का एग्रीमेंट
अकॉर्डिंग टू कंपाउंड एनुअली है, तो उसे कितना पे करना है, 3328 रुपीज, 20,3328 रुपीज, ठीक है। इट मीन्स डिफरेंस कितना देना पड़ रहा है उसको, कंपाउंड इंटरेस्ट और अगर सिंपल इंटरेस्ट का हम डिफरेंस देखें तो क्या होगा, 3328 माइनस 3200 मीन्स 128 रुपीज कंपाउंड में, आइदर वी आर गिविंग एक्स्ट्रा और वी आर टेकिंग एक्स्ट्रा, दोनों केस हो सकते हैं। अगर हमने मनी बोरो किया है तो हमें इतना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और अगर बैंक में हमने डिपॉजिट किया है तो बैंक हमें इतना एक्स्ट्रा देगी इफ इंटरेस्ट कंडीशन इज कंपाउंडेड, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कम होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होता है। अगर हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तब भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें कंपाउंडेड मिले, और अगर हम लोन ले रहे हैं तो बैंक हमसे एक्सपेक्ट करेगी कि हम उसे कंपाउंडेड वे में ही पे करें, ठीक है। ये थे दो सिंपल सिंपल एग्जांपल जो मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट से भी क्लियर करके बताए और कंपाउंडेड भी करके बताए। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ये का यही क्वेश्चन है और इसे हम 12 इयर्स कर देते हैं, सेम क्वेश्चन कंपाउंडेड ही है और हमें 12 इयर्स कर दिया, तो क्या आप 1 by 1 by 1 by 1 by करके सॉल्व करेंगे, तब तो आप मेरे से पक्का गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैंने इसे 12 इयर्स या 22 इयर्स या 10 इयर्स कर दिया और अगर इतना सा ही सॉल्व करने में मेरा पूरा बोर्ड ऑक्यूपाई हो गया या आपकी कॉपी का पूरा वन पेज ऑक्यूपाई हो गया, तो आप 12 इयर्स का क्या करेंगे, 10 इयर्स का क्या करेंगे, क्या आप करते ही रहेंगे, नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में देयर शुड बी अ वन स्पेसिफिक फॉर्मूला, क्योंकि बैंक भी जो है क्या वो यही करती रहेगी, और क्या एक ही लेंडर बोरोअर है, ऐसे हजारों लाखों लेंडर बोरो होते डेली के, ठीक है। तो अगर ऐसा इयर्स ज्यादा हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, तो ऐसे केसेस में हम 1 by 1 करके प्रैक्टिकली सॉल्व नहीं कर सकते, ना ही कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा सॉल्व कर सकता है। तो अब हम मूव करेंगे कि एक कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करने का, जिसके थ्रू हम इजीली इसे सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप मुझे उम्मीद है कि आपको इंटरेस्टिंग लग भी रहा होगा। एक तो आपने यहाँ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड में डिफरेंस समझा कि सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा पैसा कम देना पड़ता है या लिया जाता है, बट कंपाउंड में हमेशा पैसा ज़्यादा देना पड़ता है या ज़्यादा मिलता है। तो जो प्रेफरेंस होता है वो हमेशा कंपाउंडेड होता है। कोई भी मनी मेकिंग और मनी माइंडेड पर्सन होगा वो कभी भी सिंपल इंटरेस्ट को प्रेफर नहीं, ठीक है। सो अभी हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब हम क्यों ना छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके पहले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस एकदम थरोली समझ लें, ठीक है। उसके बाद आप खुद अपने पेरेंट्स को और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, आप पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, पापा जब भी आप डिपॉजिट करें कंपाउंडेड करें, और अगर हम कोई लोन लेंगे तो हम जो पे करेंगे वो भी कंपाउंड के फॉर्म में करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा हमें ज़्यादा मिलेगा या हमें ज़्यादा देना पड़ेगा, दोनों हो सकता है, बट कंपाउंडेंट में हमेशा इंटरेस्ट क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। चाहे वो मिले चाहे वो हमें देना पड़े, बट वो अमाउंट जो रहेगा, सम ऑफ मनी जो रहेगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल चार्ट वाइज करते हैं जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। रेट ले ली हमने 10%, बहुत शॉर्ट में हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एंड टाइम ले लिया हमने 3 इयर्स, ठीक है। हम इसका चार्ट बनाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का एंड कंपाउंडेड का। सिंपल इंटरेस्ट तो आप बहुत जल्दी से क्लियर कर लेते हैं, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट आप इस फॉर्मूले से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, पी इज व्हाट 100 इंटू आर इज व्हाट 10, डायरेक्टली 3 रख दें, 30 रुपीज मीन्स अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 100 प्लस 30, 130। फाइन, सिंपल इंटरेस्ट में आप यहाँ पी लिख दें, आर लिख दें, टी लिख दें, एंड फाइनली सिंपल इंटरेस्ट इज 130 एंड अमाउंट इज 130 रुपीज। ये आपका आ गया, ये मैंने चार्ट ले लिया, 100 रुपीज, आर इज 10%, टाइम इज
3 years, ये तो आपका इजीली हो गया। अब यहीं पर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगेन वही पूरा प्रोसीजर आपका, पी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, बट हम वन बाय वन लिखेंगे फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, फॉर्मूला पी इज 100, आर इज 10 इंटू टाइम इज 1/100, 100 and 100 इज कैंसिल, 10 rupees, दिस इज योर इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मीन्स 100 plus 10 विच इज 110 rupees। नाउ दिस अमाउंट 110 rupees इज प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल आपका चेंज हो चुका है, जो 100 rupees डिपॉजिट था नाउ इट इज कन्वर्टेड इंटू 110 rupees। तो सेकेंड ईयर कैलकुलेशन कैसा होगा, सेकेंड ईयर 110 इन प्लेस ऑफ पी आई पुट 110, आर इज 10/1, ये हो गया अपॉन वन नहीं सॉरी टाइम इज 1/100, अगेन कैंसिल, इट इज 11 rupees, इंटरेस्ट चेंज हो गया। ठीक है, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट कितना हो गया 110 मींस प्रिंसिपल, पहले मैं आपको लिख देती हूँ पी प्लस एस आई फॉर सेकेंड ईयर, पी इज वॉट 110 प्लस 11 विच इज इक्वल टू 121 rupees। सेकेंड ईयर पे आपका जो पैसा था डिपॉजिट था वो 121 हो चुका है। ठीक है, नाउ फॉर थर्ड ईयर क्या होगा, प्रिंसिपल इज हाउ मच 121 rupees। अब जो आपका कैलकुलेशन होगा वो होगा 121 के हिसाब से, 10 into 1/100। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट इज 12.10 rupees। अब मैं तीन फिगर को बॉक्स में डाल रही हूँ जो आपको याद रखनी है, फर्स्ट वॉज दिस, अब जगह यहां नहीं है तो मैं यहां लिख रही हूं, बट ये इसी का पार्ट है, फाइनली अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, पी इज व्हाट 121 प्लस इंटरेस्ट अभी जो हमने कैलकुलेट किया 12.10, इट इज 133.10 rupees। ध्यान से अगर आप देखोगे, कलर चेंज करती हूँ मैं चौक का, इन दिस ब्लू बॉक्स एंड हेयर इन दिस ब्लू बॉक्स 3 rupees 10 paise का डिफरेंस आ रहा है, जब फिगर बहुत छोटी थी 100 rupees। कंपाउंड में हमें 3 rupees 10 paise आइदर ज़्यादा देना पड़ रहा है या हमें ज़्यादा मिलेगा, बट इन सिंपल इंटरेस्ट विल गेट ओनली 30 rupees एज इंटरेस्ट। यहाँ पर हमें इंटरेस्ट कितना मिला, अगर हम ये सारे इंटरेस्टों को ऐड कर दें सो ये कहलाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। हर साल का इंटरेस्ट हम ऐड कर दें, कंपाउंड वर्ड ही हुआ कि सारा कलेक्ट कर लिया हमने, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट, मैं शॉर्ट में लिख दूं, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर प्लस जितने साल के बारे में हम बात कर रहे हैं उतने साल का इंटरेस्ट हम जोड़ देंगे। फर्स्ट वॉज 10, सेकेंड वॉज 11 एंड थर्ड वॉज 12.10, फाइनली इट इज 33.10 rupees। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड यहाँ पर ये जो 30 था इट वॉज सिंपल इंटरेस्ट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कंपाउंड में हमेशा ज़्यादा मिलेगा या ज़्यादा देना होगा।
ठीक है। तो ये हमने चार्ट वाइज एक क्वेश्चन किया, और छोटे छोटे एग्जाम्पल करते हैं, देन विल मूव टू द फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट सिंपल एग्जाम्पल इज फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। क्लियरली मेंशन है कि हमें कंपाउंड ही निकालना है, तो अब यहां पर क्या हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे? नो, ठीक है। अब हम कंपाउंड करेंगे, तरीका वही रहेगा, स्टेप बाय स्टेप। फॉर 1 year इंटरेस्ट सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, प्रिंसिपल इज 1000 रुपीज, रेट इज 4%, टाइम इज 2 years एंड विल कैलकुलेट 1 by 1 year, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड का कॉन्सेप्ट ही वही होता है। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर मीन्स हम कैलकुलेट सिंपल ही कर रहे हैं, बट सिंपल 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 सारे इंटरेस्ट मिलके क्या बन जाता है? कंपाउंड, क्योंकि हम 1 by 1 करते हैं। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर पी इज व्हाट? 1000, रेट इज सॉरी मल्टीप्लीकेशन, रेट इज 4%, टाइम इज 1 upon 100, 2020 इज कैंसिल, 40 rupees इंटरेस्ट फॉर 1 year। नाउ अमाउंट इज अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर मीन्स आपका पैसा इंक्रीज हो गया, कितना हो चुका है? 1000 प्लस 40 मीन्स 1040 rupees, बट दिस इज प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। पूरा कॉन्सेप्ट इस लाइन में छुपा हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट में हम डायरेक्ट सारा ईयर रख देते थे, यहां पर जब हम 1 by 1 करते हैं तो जो हमारा अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर का आता है दैट इज प्रिंसिपल फॉर सेकेंड। बस यही डिफरेंस है, जो मेजर डिफरेंस है कंपाउंड और सिंपल में, ठीक है। अब पी इज वॉट? 1040 rupees, आर इज वॉट? 4%, टाइम इज वॉट? अगेन 2 year, बट उसमें हम फर्स्ट ईयर का सॉल्व, एक ईयर का सॉल्व करेंगे। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर वो का वही फॉर्मूला, पी बस पी चेंज हो गया, आर भी वही, टाइम भी वही, अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हुआ, आफ्टर सॉल्विंग ये जो आंसर आएगा दैट इज 41.60 rupees, ये इंटरेस्ट हुआ आपका सेकेंड ईयर का। अब आपका अमाउंट जो आएगा, अमाउंट आफ्टर 2 years, 2 साल हो चुके हैं, और अब हमारा जो पैसा है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मीन्स 1040 प्लस 41.60, फाइनली इट इज 1081.60 rupees। 2 साल का था इसलिए हम यहीं स्टॉप हो गए। सो योर डिपॉजिट वॉज 1000 rupees एंड फाइनली कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में यू आर गेटिंग 1081.60 rupees। यहां पर अगर मैं आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला पूछूं, तो आप क्या करेंगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट इज 1081.60 माइनस 1000, सो यू आर गेटिंग 81.60 rupees एक्स्ट्रा मनी ऑन 1000 rupees। ये हुआ फॉर्मूले से कैलकुलेट करना। अगर आप नहीं ऐसा करना चाहते तो आप सारे जो जो इंटरेस्ट मिले हैं उनको प्लस कर लो, जितने भी साल का है, लेट से 5 साल का हमने क्वेश्चन लिया तो 5 साल में जो इंटरेस्ट मिला, तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर, जितने भी ईयर की बात है। यहाँ पर फर्स्ट ईयर में कितना है? 40, सेकेंड ईयर में कितना है? 41.60 एंड फाइनली इट इज 81.60। तो दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट, जितने ईयर्स पे इंटरेस्ट मिला आइदर यू ऐड देम
और यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमेशा एक ही होता है, चाहे कंपाउंड हो चाहे सिंपल हो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का. अभी हमने केवल दो दो साल के लिए किया, नाउ आई एम टेकिंग 3 ईयर्स. और थोड़ा सा हम सम ऑफ मनी भी इंक्रीज करें तो कैलकुलेशन में मजा आएगा. नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल, बट अब मैं थोड़ी सी फिगर कॉम्प्लिकेटेड ले रही हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैंने 1000, 2000, 20,000, 10,000 लिया तो वो इजिली कैलकुलेट हो गया. बट क्या जरूरी है कि हमेशा ऐसे ही फिगर्स मिलेंगे? नहीं. मारिया इन्वेस्ट ₹93,750. अब थोड़ा सा अजीब सा फिगर है. एट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो डिफरेंट. अभी तक हमने 10%, 5%, 12% ली, बट यहां पर डेसिमल में है. पर एनम फॉर 3 ईयर्स, टाइम ऑल्सो इंक्रीज हो गया एंड द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड. एनुअल कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो हम कंपाउंड से ही सॉल्व करेंगे. कैलकुलेट, दो चीजें बोली हैं. फर्स्ट इज द अमाउंट स्टैंडिंग टू हर क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. सेकेंड पार्ट है इंटरेस्ट इन इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर. जैसा जैसा कहा है वैसा वैसा फाइंड करना पड़ेगा, बट हमें तो पूरा ही निकालना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर दे पाएंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे. प्रिंसिपल इज व्हाट, 93,750 रुपीज. रेट इज 9.6% एंड टाइम इज 3 ईयर्स. स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे. फॉर फर्स्ट ईयर आप ऐसा लिख सकते हैं, इंटरेस्ट आई मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आप पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, या आप ऐसा लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट इज. जैसा आपको लिखना है आप ऐसा लिख सकते हैं. प्रिंसिपल फॉर्मूला मैं नहीं लिख रही हूं, फॉर्मूला आपको याद है, पी इंटू आर इंटू टी इज 1, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं, अपॉन 100. ये कैलकुलेशन मैं डायरेक्टली कॉपी करूंगी क्योंकि आप यहां पर करना मुश्किल है मेरे लिए. आफ्टर कैलकुलेटिंग इट इज 9,000 रुपीज. फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट मिला दैट इज 9,000 रुपीज, क्योंकि अमाउंट भी तो ह्यूज है जो वो डिपॉजिट कर रही है और इन्वेस्ट कर रही है, वो अमाउंट भी काफी बड़ा है. ठीक है, नाउ अमाउंट, अब ये इंटरेस्ट मिलने के बाद उसका प्रिंसिपल क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है. इंक्रीज होने के बाद वो कितना हो गया है, प्रिंसिपल था 93,750 एंड 9,000 शी इज गेटिंग इंटरेस्ट, सो फाइनल अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर इज 102,750 रुपीज. ये फिगर मैं केवल कॉपी कर रही हूँ. ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करेंगे, बट प्रिंसिपल आपका चेंज हो गया. इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर द प्रिंसिपल इज 102,750. रेट इज अगेन वही 9.6%. टाइम जो है टोटल 3 ईयर्स है, बट हम 1/1 रखेंगे बिकॉज वी आर सॉल्विंग कंपाउंड. ठीक है,
ना। यहाँ पे हम क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। फॉर सेकेंड ईयर इंटरेस्ट इज 102750, क्योंकि प्रिंसिपल चेंज हो गया, 9.6 × 1/100। ये जो फिगर आएगी ये मैं कॉपी कर रही हूँ। आफ्टर सॉल्विंग इट इज 9864 रुपीज। दिस इज इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। फिर अमाउंट न्यू हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट विच इज 102750। ये प्रिंसिपल हो चुका था एंड 9864, सो फाइनली इट इज 112614 रुपीज। राइट नाउ प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, 3 साल की बात करी है, सो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर चेंज हो गया। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 112614 रुपीस। रेट अगेन वही है 9.6, टाइम वही है 3 ईयर्स। ठीक है, यह मैं इसलिए बार बार लिख रही हूँ कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि फर्स्ट ईयर का जो ऐड होके अमाउंट आता है वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है, सेकेंड ईयर का जो अमाउंट आता है वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व कर रहे हैं फॉर थर्ड ईयर। इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर 112614, दिस इज प्रिंसिपल, रेट इज 9.6, टाइम इज अगेन 1/100, फाइनली इट इज 108104 रुपीज़। अब मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन करूँ कि अगर तीनों साल का इंटरेस्ट मतलब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बताएं तो आप क्या करेंगे, आइदर फॉर्मूला लगाएंगे या फिर आप ये जो मैं टिक कर रही हूँ इसको प्लस इसे ऐड कर देंगे तो भी क्या आ जाएगा, कंपाउंडेड। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे। अब आपका न्यू अमाउंट क्या हो चुका है, फाइनल अमाउंट, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल वाज 112614 प्लस 108104.94। सो आफ्टर एडिंग दिस टू ह्यूज फिगर्स फाइनली इट इज इक्वलेंट टू 12342.94 रुपीज़। ये आ गया आपका न्यू अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। व्हाट दे हैव आस्क्ड, द अमाउंट स्टैंडिंग टू हर क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर वाला हमारा कैलकुलेशन क्या है ये, तो आपका जो आंसर होगा फर्स्ट दैट इज 112614 रुपीज़, एंड सेकेंड में उन्होंने पूछा है इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर कितना आ चुका है 108104.94। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका आंसर यही हो चुका है, बट हम इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितना इंटरेस्ट हमें फाइनली मिल रहा है आफ्टर 3 ईयर्स। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के 2 तरीके, या तो सारे इंटरेस्ट को आप ऐड कर दीजिए, मैं इसे रब कर रही हूँ, रब करके आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर रब करती हूँ। ठीक है, ये 3 इंटरेस्ट बॉक्स में हमारे पास दिख रहे हैं, तीनों इंटरेस्ट को हम ऐड करेंगे, सो कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है, कितना होगा, ऐड तीनों को करेंगे, फर्स्ट वॉज 9000 प्लस, यहीं लिख लेते हैं, प्लस 9864 प्लस 108104.94, ये जो ऐड होके आएगा दैट इज 29674.94 रुपीज़। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हमें ऐसा नहीं करना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट कोई भी हो अगर हमें निकालना है तो वो हमेशा होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के इक्विवेलेंट। अमाउंट क्या था हमारा, 12342.94 माइनस
प्रिंसिपल क्या था मारिया ने जो डिपॉजिट किया था, दैट वाज 93,750 रुपीस। इसको भी सब्ट्रैक्ट करने पर यही आंसर आएगा जो हमने सारे इंटरेस्ट को ऐड किया, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों में आंसर सेम आना चाहिए। बाय चांस मुझसे कुछ एक आध मिस्टेक हो गई हो तो आप उसे इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ा कैलकुलेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने सिंपल क्वेश्चन लिया है, फिर हमने थोड़ा सा सम ऑफ मनी भी इंक्रीज किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डेसिमल में लिया, टाइम भी हमने बढ़ा दिया, 3 इयर्स कर दिया। आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर तक अगर क्वेश्चन है तो हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें इतने में ही बोर्ड को 2 बार रब करना पड़ा है। ठीक है, अगर मैं इसे 10 ईयर्स 12 ईयर्स 13 ईयर्स 50 ईयर्स कुछ भी कर दूं तब क्या होगा? ठीक है, ऐसी सिचुएशन जब आएगी तो अगर हम ये मेथड को फॉलो करेंगे, दिस इज ट्रेडिशनल मेथड, अगर हम इस मेथड को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली मिस्टेक्स भी बहुत होंगी एज वेल एज हम बोर भी हो जाएंगे। और अगर हम ये इंस्टीट्यूशंस की बात करें, लेंडर और बोरोअर की, जैसा कि मैंने आपको बताया कोई भी एग्रीमेंट होता है लेंडर और बोरोअर के बीच में, दे डिसाइड द टाइम पीरियड, दे डिसाइड द रेट एंड दे डिसाइड द सम ऑफ मनी मीन्स प्रिंसिपल। ठीक है, अगर वो टाइम ऐसा रख दे 10 ईयर्स 20 ईयर्स 30 ईयर्स, जैसे जनरली जो हाउस लोन्स होते हैं वो 20 ईयर्स 15 ईयर्स 30 ईयर्स के होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स जनरली हाउस लोन लेते हैं वो मिनिमम 10 ईयर का तो होता ही है। अगर आपके पेरेंट ही आपको बोलते बेटा जरा कैलकुलेट करके बताना, तो आप तो भाग ही जाएंगे कन्फर्म कि मैम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इतना बड़ा। ठीक है, तो जब ये सिचुएशन आई कि 1 to 3 ईयर्स है तो आप ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हो, वो भी लेंदी है बट स्टिल आप कर सकते हो, बट ईयर्स इंक्रीज कर दिए तब आप ये करना पॉसिबल आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भी नहीं है। सो देयर शुड बी सम शॉर्ट मेथड और स्पेसिफिक फॉर्मूला कि अगर टाइम इंक्रीज कर दिया तो कंपाउंड हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो नाउ मूविंग टू द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, क्योंकि आपका पूरा जो वर्ल्ड है वो कंपाउंडेड से कैलकुलेट हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है, और पूरे वर्ल्ड में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग लैंडिंग एंड बोरोइंग हो रही है, एंड लैंडिंग एंड बोरोइंग इज पार्ट ऑफ रूटीन, आपके रूटीन का एक पार्ट होता है ये। ठीक है, तो लैंडिंग बोरोइंग अगर डेली बेसिस पे हो रही है तो इस तरह से कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल आ रही थी, तो फिर उन्होंने क्या किया, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनाया। फाइन।